दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं पुतुल कुमार और आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल डिस्टेंस बिटवीन 1.0 में एक बार फिर स्वागत है। तो आज बहुत दिन के बाद आप लोग से मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एग्जाम चल रहा था, इसलिए उसी में थोड़ा सा हम लोग बिजी थे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं होटल मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे कि होटल मैनेजमेंट का मतलब थोड़ा डिपार्टमेंट दिखाइए। तो आज हम जाने वाले हैं होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। तो ये जो है, हम अभी बस में बैठे हुए हैं। हर एक मतलब बस जो होती है 10 मिनट में वहाँ जाती रहती है और वहाँ से भी आती है। तो थोड़ा सा वो कॉलेज जो है होटल मैनेजमेंट का, ये मेन यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर पर है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिखाएंगे, पूरा टूर कराएंगे आपको होटल मैनेजमेंट का, क्या वहाँ पर कैसा क्लास की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये बस में हम लोग बैठ चुके हैं। देखिए, 10 मिनट के बाद, हर एक 10 मिनट के बाद ही मेन यूनिवर्सिटी से वहाँ जाता है बस और आता भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल मैनेजमेंट दिया है, हमें दिख रहा है आपको। जाते हैं ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, तो ऊपर आपको दिखाते हैं। लिफ्ट की व्यवस्था है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में। तो विशाल भाई आपको बताएंगे, क्योंकि इनके होटल मैनेजमेंट है। बताइए, आपका ट्रेनिंग चल रहा है ना? या। कितना साल हुआ अभी? अभी तो सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर में ही ट्रेनिंग चल रहा है आप लोग का? थर्ड ईयर का ट्रेनिंग है। अच्छा, थर्ड ईयर का। अच्छा अच्छा, चलिए आपको। तो ये है भाई सेमिनार हॉल, ठीक है। पहले इसमें क्लास चलता था, बट अब तो सेमिनार हॉल बना दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है होटल मैनेजमेंट का क्लासरूम। क्लासरूम पहले था, बट अभी इसको सेमिनार हॉल बना दिया गया है। तो चलिए अभी आपको फिर और दिखाते हैं। लार्डर किचन, ठीक है, देखते हैं आप लोग। यह सारा चीज़ दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, देख सकते हैं, सारा चीज़ व्यवस्था रखा गया है। प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें। कुछ भी सब यहीं से सब इंक्लूड है। अच्छा, सारा व्यवस्था इसमें मिलता है ना। ये आप क्लासरूम है, ठीक है, देख सकते हैं। ग्रीन ब्लैक बोर्ड है, प्लस बेंच की भी जो व्यवस्था है भाई, अच्छा ही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हेलो, तो आप देख सकते हैं कि ये होटल मैनेजमेंट का 3 स्टार मतलब जो होटल है, इसी में इस पढ़ने वाले स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है, या कहीं और भी भेजने का अथी किया जाता है? अदर कंट्री भी, और अदर कंट्री और अदर स्टेट भी विजिट कराया जाता है, या ऐसा भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप कहीं और भी जाके ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट कोई स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि हम यहीं पे अपना ट्रेनिंग करें, तो ये अपना अपने चॉइस के ऊपर होता है, आप लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार मतलब इसे यहाँ से व्यू आ रहा है 3 स्टार होटल का। ये तो बैक से है, और ये भी देख सकते हैं पूरा एकदम मतलब कि अच्छा, एकदम मतलब होटल मैनेजमेंट के लिए अच्छा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। सारा चीज़ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा 3 स्टार होटल है, MMDU यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसमें ही हम लोग का पार्टी दिया गया था। आप पहली बार आते हैं यूनिवर्सिटी, तो आपको वो जो ब्रिज सामने दिख रहा है भाई, जो ब्रिज है वहीं पे आपको आना पड़ता है। और वहाँ आइएगा तो जस्ट आपको MMDU कॉन्टिनेंटल आपको दिख जाता है, और वहाँ से ही आपको जस्ट ऑटो लेके आना होता है, ठीक है। यही होटल दिखेगा, और यही होटल दिखेगा। आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी आइएगा तो आपको बड़ा अक्षर में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, MMDU कॉन्टिनेंटल 3 स्टार होटल, ठीक है। यहीं से आपको MMDU का बस मिल जाता है, या आप पहली बार आते हैं तो आपको ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा होटल मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, सारा चीज़ आपको दिखा देते हैं, बट वहाँ जाने हम लोग का अलाउ नहीं है, बट आपको दिखा देते हैं ऊपर से ही, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट का बॉयज कॉमन रूम है, अगर आप चाहते हैं कि फ्री टाइम में, अगर लंच टाइम में अगर आप कुछ करना एक्टिविटी, जैसे कैरम बोर्ड है तो कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं आप, चाहे अपना लंच लाए हैं तो यहाँ पे आके अपना खा पी सकते हैं। और ये सब चीज़ स्पोर्ट किट्स यहाँ पे दिया गया है,
देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं स्पोर्ट किट्स, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ की व्यवस्था है होती है। और आप लंच में कुछ ला के लाते हैं तो यहाँ पे कॉमन रूम है, यहाँ पे बॉयज़ कॉमन रूम है, यहाँ पे आके अपना खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए और दिखाते हैं जैसे होता है आपको। तो ये है भाई आप लोग का MM होटल मैनेजमेंट का लाइब्रेरी, ठीक है। बाहर से ही दिखा देते हैं, अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपको एक कॉमन भी लाइब्रेरी मिल जाता है, बट आप ये सेपरेट लाइब्रेरी है जिसमें आप आके अपना स्टडी अपना अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना फैसिलिटी दिया गया है लाइब्रेरी के लिए। फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि जैसे लेटर किचन आपको दिख जाएगा, क्वांटिटी फूड किचन है, ट्रेनिंग रेस्टोरेंट है, फ्रंट लैब ऑफिस है, लैंग्वेज लैब है, ब्राउंसिंग सेंटर है, प्लस में आपका ट्रेनिंग किचन है, बेकरी है, मॉक गेस्ट रूम है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, और इसके पास जो 3 स्टार होटल आपको अभी दिखाए थे वो है। तो लैब की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। ये यहाँ से आप जा सकते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। सेकेंड फ्लोर पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। अभी भाई एक क्लासरूम है, बहुत सारा क्लासरूम है जिसमें अलग अलग सेमेस्टर के स्टूडेंट स्टडी करते हैं, ठीक है। विशाल का ये क्लासरूम है जो HM करते हैं, 3rd सेम के ये स्टूडेंट है, ठीक है। और इनका ट्रेनिंग चल रहा है, कहाँ चल रहा है आपका ट्रेनिंग? अच्छा, MM कंटिनेंटल में चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बोथ पे होता है, दोनों पे होता है ना। तो ये क्लासरूम है भाई होटल मैनेजमेंट का, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए सारा किचन का दियो। तो ये होटल मैनेजमेंट था जिसमें हम लोग MM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। और ये Z+ सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप बिना फिंगर के नहीं जा सकते हैं,